आप चेतन बता रहे थे कि वीडी शर्मा अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आ गया है वंदना। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सुबह 9 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्योंकि 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 7% क्या करीब मतदान हुआ है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 13% वोटिंग हुई है, असम में सुबह 9 बजे 9.25% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज पर वंदना बात करें तो आपने जितने आंकड़े अब तक बताए हैं सबसे ज्यादा मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में ही वोटिंग हुई है। यूपी में 9 बजे तक 11.67%, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 15.7% आंकड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। असम में सुबह 9 बजे तक करीब करीब 9.15% ये मतदान अब तक हुआ है। पश्चिम बंगाल से अगर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े तो हम मौजूदा स्थिति पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। अच्छा, रैनिक हमारे साथ हैं? रैनिक हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं। राजस्थान के कोटा से चुनावी मैदान में वोट डालने के बाद उंगली पर लगी हुई स्याही दिखाते हुए चेहरे की मुस्कान लिए हुए, और ये दिन ऐसा रहता है आम हो या खास, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जब घरों से निकलते हैं तो जहन में मुद्दे बहुत क्लियर होते हैं, और यहाँ ओम बिरला भी पहुंचे, अपनी उंगली पर स्याही का निशान भी दिखाया। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, अजय जांडियाल हमारे साथ में है, चेतन सेठ हमारे साथ में है, विकास नांदेड़ से जुड़े हुए हैं, रैनिक दत्ता का एकदम ही देखिए, सुबह 9 बजे तक 15% वोट अभी तक हो चुका है बालूरघाट और रायगंज और दार्जिलिंग, ये तीनों जगह में। मैं बालूरघाट का तस्वीर आपको दिखाऊंगा, 9 बजे के बाद भी जो वोटर्स का लाइन है वो लाइन ही कहला देता है कि किस तरीके से वोटर्स बाहर आ रहे हैं, वोट देने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं और सुबह सुबह वोट देने के लिए सब लोग बाहर आ रहे हैं। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूँगा, मैडम सुबह सुबह वोट देने के लिए आने का कारण क्या है? बहुत धूप है इसलिए। गर्मी का मेन कारण है सुबह आने के लिए? मैं एक मजबूत स्थिर मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले। और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ। मंदिर के दर्शन किए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किया, अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूँ। लेने के लिए निकले हैं और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। ओम बिरला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक स्थिर सरकार देश में होनी चाहिए, इस पर जनता विचार कर रही है, और क्योंकि ओम बिरला खुद सांसद हैं और लगातार एक बार फिर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इससे पहले भी जनता से वोट की उन्होंने अपील की थी और एक बार फिर उन्होंने ये कहा है कि बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं किस तरह की हलचल देखी जा रही है और अभी सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग। देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी, हमने देखा कि कई बुजुर्ग लोग जो थे वो सवेरे ही 7 बजे चले आए थे मतदान करने के लिए, हो सकता है वजह यह हो कि गर्मी दिन के बढ़ते बढ़ती जाती है, लेकिन प्रतिशत जो है वो कोई बहुत उत्साहित करने वाला नहीं, 7% के आसपास मतदान हुए। लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से अब सहभागिता जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां पर एक लंबी सी कतार जो है मुस्लिम महिलाओं की आप देख सकते हैं जो मतदान करने यहां पर आई हैं। इनसे समझते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर ये अब की बार वोट करने आई हैं। आप लोग हिंदी में बात कर पाएंगे, दीदी आपसे समझना चाहता हूँ किन मुद्दों के आधार पर अब यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी को मान चुके हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक